दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, साथ ही में दोस्तों मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़ी, इसके अलावा दोस्तों जनधन खाते से जुड़ी 10 बहुत ही बड़ी और ताजा खबरों को लेकर आए हैं, जो सारी खबरें आपके काम की है और दोस्तों आपके फायदे की है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों आज की सबसे पहली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, आज अभी अभी मोदी जी ने लाइव आके भारत के सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। मतलब कि दोस्तों अगर आप भी किसान है, गरीब है या फिर दोस्तों अगर आप भी मजदूर है, तो दोस्तों आपको इस योजना के तहत मिलने वाले हैं सीधे ही अपने बैंक खाते में 15,000 रुपए। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने आपके लिए बहुत ही बड़ी और नई योजना लागू कर दी है। अगर दोस्तों आप भी इस योजना के तहत आवेदन करके 15,000 रुपए प्रतिमाह लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, आज से पूरे देश में प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू हो चुकी है, जिसके तहत दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो दोस्तों यहां पर आपको पहले से ज्यादा राशन मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं भी है तो भी दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा। तो आखिरकार में ऐसी कौन सी योजना है, साथ ही में दोस्तों आपको अन्नपूर्णा योजना के तहत और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये भी दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप भी अपने घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दोस्तों अगर आपके घर में भी गैस सिलेंडर है, चाहे दोस्तों HP का हुआ या फिर दोस्तों इंडियन का हुआ या फिर दोस्तों भारत का गैस सिलेंडर हुआ, इस प्रकार से अगर आपके घर में किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर है तो भी दोस्तों यहां पर आपके लिए बहुत ही बुरी खबर, क्योंकि दोस्तों इस महीने मतलब दोस्तों नवंबर महीने में गैस सिलेंडर के भाव में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपने घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आपके गैस सिलेंडर को दाम जानना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आखिरकार में इस महीने में क्या गैस सिलेंडर के दाम चल रहे हैं, ये भी दोस्तों ताजा भाव बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई भी बेटी है, कन्या है या फिर दोस्तों लड़की है, तो मोदी सरकार ने अभी अभी लाइव आके बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि दोस्तों भारत के सभी बेटियों के लिए एक नई योजना लागू की है, जिस योजना के तहत भारत की सभी बेटियों को मिलने वाले हैं 3,00,000 रुपए सीधे ही उनके बैंक खाते में। दोस्तों अगर आपके घर में भी बेटी है और दोस्तों अगर आपके बेटी का आधार कार्ड है, तो दोस्तों आप इस योजना में जरूर से जरूर आवेदन कीजिए। तो आखिरकार में आपको ऐसी योजना में कैसे आवेदन करना होगा, साथ ही में दोस्तों योजना का नाम क्या है, ये भी दोस्तों आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों इसके अलावा मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी और दी है, जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में राशन कार्ड है या फिर दोस्तों अगर आपके पास में आधार कार्ड है, तो भी दोस्तों ये खबर जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों देश में नवंबर महीने की शुरुआत में ही आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर कुछ नियम चेंज हुए हैं, साथ ही में दोस्तों कुछ नए नियम भी लगे हैं। जी हां दोस्तों, मतलब कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है या फिर दोस्तों अगर आपके घर में राशन कार्ड है और दोस्तों अगर आप भी इन नियमों को नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, मतलब कि आपको भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको ये नियम जानने बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों आखिरकार में भारत में कौन से नए नियम लगने वाले हैं, ये भी दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी खबर आई है, जी हां दोस्तों, अगर आप भी TikTok चलाते थे, मतलब कि दोस्तों अगर आप भी TikTok पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों TikTok जल्दी आने वाला है भारत में। जी हां दोस्तों, अब ना तो Jio खरीदेगी और ना तो Airtel खरीदेगी, एक नई कंपनी है जो दोस्तों आने वाले समय में जल्द ही TikTok को खरीदने वाली है। दोस्तों आखिरकार में ऐसी कौन सी कंपनी है, साथ ही में दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कि भारत में TikTok वापस आए या फिर ना आए, ये दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपके पास में या फिर दोस्तों अगर आपके घर में या फिर अगर आपकी तिजोरियों में 2,000 रुपए का ये वाला नोट है, तो दोस्तों आप जल्दी से सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार और RBI ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत आज रात 12 बजे से पूरे देश में, संपूर्ण देश में ये नोट बंद होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके पास में ये 2,000 रुपए का नोट है, तो दोस्तों आपको ऐसा कौन सा काम करना होगा जिससे कि दोस्तों आपको कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ दोस्तों ये 2,000 रुपए का नोट क्यों बंद हो रहा है, ये भी दोस्तों आगे हम आपको कारण बताएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों रेलवे को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, जी हां दोस्तों, आज से पूरे देश में रेल सेवा फिर से बंद होगी, क्योंकि दोस्तों कोरोना का संकट ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में दोस्तों रेलवे ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि दोस्तों अब रेलवे अपनी रेलों को नहीं चलाएगी। तो दोस्तों आखिरकार में रेलवे ने ये फैसला कब लिया, ये भी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो भी दोस्तों यहां पर आपके लिए नए नियम, आपको लगेगा एक बहुत ही बड़ा झटका। तो दोस्तों आखिरकार में आपको कौन सा झटका लगने वाला है, साथ ही में दोस्तों कौन कौन से काम बंद हुए हैं, ये भी दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार की बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिस खबरों से आपको फायदा होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपको लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों आज की सबसे पहली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, अगर आपका भी जनधन खाता है तो आपको मिलने वाले हैं 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि दोस्तों आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक अलग से छोटा सा खाता खोलना होता है, और दोस्तों जिस खाते के तहत आपको मोदी सरकार की हर योजना का फायदा सीधे ही आपको जनधन खाते में मिल जाता है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार से मोदी सरकार ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिनके तहत भारत की सभी महिलाओं को और साथ ही में दोस्तों भारत के सभी लोगों को सीधे ही जनधन खाते में मिलने वाले हैं 6,000 रुपए। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी काम नहीं करना होता है। अगर आपका जनधन खाता है, तो दोस्तों आपको
आपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना होता है। और वैसे में दोस्तों आपके बैंक खाते में ऑटोमेटिक से ये पैसे आ जाते हैं। और दोस्तों अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो भी दोस्तों आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर ये जनधन खाता खुलवा सकते हैं। जनधन खाता दोस्तों बिल्कुल फ्री में खुलवाया जाता है। और दोस्तों अगर आपके जनधन खाते में जीरो बैलेंस है तो भी आपको ये रुपए मिल जाएंगे, मतलब कि दोस्तों यहां पर आपको अपने खाते में कोई रुपए नहीं रखने होंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए थी अच्छी खबर। आप दोस्तों जल्दी से अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करके बिल्कुल फ्री में जनधन खाता खोल लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की नई योजना, जिस योजना के तहत भारत की प्रत्येक लड़कियों को मिलने वाले हैं 3,000 रुपए, साथ ही में दोस्तों लड़कों को मिलने वाले हैं 2,000 रुपए प्रतिमाह। आप भी जानिए कि आपको कैसे मिलेंगे ये रुपए। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि दोस्तों लगभग 5-6 महीनों से भारत देश में लगातार लॉकडाउन है। और दोस्तों लॉकडाउन के समय काफी लोगों की नौकरी चली गई है और वैसे में दोस्तों वो सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वैसे में दोस्तों सरकार की एक और नई योजना बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भारत के उन सभी लड़के और लड़कियों को ये फायदा मिलेगा जिन लोगों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप पहले छोटा मोटा काम करते थे या फिर दोस्तों अगर आपकी कोई भी सरकारी नौकरी थी या फिर आपकी प्राइवेट नौकरी थी और दोस्तों अगर आप लॉकडाउन के समय अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आपको बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत प्रत्येक लड़की को या फिर दोस्तों प्रत्येक लड़के को ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जी हां दोस्तों, कैसे आवेदन करना होगा? तो दोस्तों आप इस आवेदन करने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों बेरोजगारी भत्ता योजना 2020। और दोस्तों अगर आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना के तहत आवेदन करके ये फायदा ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, पूरे भारत देश में पोस्ट ऑफिस बंपर भर्ती आ चुकी है। दरअसल दोस्तों ये भर्ती हरियाणा राज्य के लिए मान्य होगी, मतलब कि दोस्तों अगर आप भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप दोस्तों आप इस भर्ती के तहत आवेदन करके ये दोस्तों एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। जी हां दोस्तों, आवेदन करने के लिए दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर दोस्तों इसका फॉर्म भर के आप वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो वैसे में दोस्तों आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, अधिक जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, आप दोस्तों उस लिंक पर जाकर अधिक जानकारी ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी बेटी है, कन्या है या फिर दोस्तों लड़की है तो दोस्तों आप सभी को मिलने वाले हैं 2,50,000 रुपए। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने एक योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है जिस योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया या फिर दोस्तों अगर आपकी बेटी को इस योजना के तहत फायदा नहीं मिला है तो दोस्तों जल्दी से आप इस योजना के तहत आवेदन करके 2,52,000 रुपए की राशि सीधे अपने बेटी के बैंक खाते में ले पाएंगे। और दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी बेटी का आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही में दोस्तों कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट वो सारे आपके पास में होने चाहिए। और दोस्तों इस योजना की अधिक जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस योजना का लिंक मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों कि दोस्तों कोरोना काल में आने वाले त्योहारों पर भारत सरकार ने देश में कुछ नए नियम लगवाए हैं जिन नियमों का आपको पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, आज का सबसे पहला बड़ा नियम दोस्तों कंटेनमेंट जोन, यानी कि दोस्तों ऐसी जगह जहां पर कोरोना वायरस ज्यादा फैला हुआ हो तो वहां पर कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपके लिए दूसरा नियम यह है कि दोस्तों 65 साल से अधिक उम्र वाले, साथ ही में दोस्तों गर्भवती महिलाएं और दोस्तों बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो उनको घरों में ही रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों ये आपके लिए दूसरा नियम था। इसके अलावा दोस्तों तीसरा नियम यह है कि दोस्तों अगर किसी भी मंदिर में पूजा होती है या फिर दोस्तों पूजा पाठ होता है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा, मतलब कि दोस्तों आपको 5 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों यहां पर भारत सरकार की तरफ से आपको एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। तो आपको कौन सा इनाम मिलेगा ये तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल इतना ही कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों ये हम सब लोगों के लिए नियम है और दोस्तों ये नियम हमारे ही फायदे के लिए है, इसलिए दोस्तों आपको इन नियमों का पालन करना होगा। साथ ही में दोस्तों क्या आप भी दीपावली पर पटाखे जलाते हैं फिर दोस्तों नहीं जलाते हैं ये आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, पत्नी का ये खाता खोले और प्रतिमा कमाए 44,000 रुपए। जी हां दोस्तों, दरअसल हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दोस्तों भारत में लगभग 5-6-7 महीनों से लगातार लॉकडाउन है और दोस्तों लॉकडाउन के समय आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और वैसे में दोस्तों आज भारत सरकार ने देश में सभी पत्नियों के लिए एक नई योजना लाए हैं जिसके तहत दोस्तों अगर आप भी आवेदन करते हैं तो आपको प्रतिमाह नहीं लेकिन दोस्तों आपको एक बार 44,000 रुपए आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे। तो दोस्तों कौन योजना है? योजना का नाम है दोस्तों पत्नी घर की लक्ष्मी। जी हां दोस्तों, यही इस योजना का नाम है। और दोस्तों साथ ही में अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गूगल पर सर्च करना होगा पत्नी घर की लक्ष्मी। अगर दोस्तों आप ऐसा सर्च करते हैं तो वहां पर आपके सामने इस योजना की वेबसाइट आ जाएगी और वहां पर जाकर दोस्तों आप इस योजना के तहत आवेदन भी कर सकते हैं और दोस्तों ये फायदा सीधे अपने बैंक खाते में उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी पुराने नोट है या फिर दोस्तों कोई भी पुराना सिक्का है तो आप जिन्हें बेचकर बन सकते हैं लखपति। जी हां दोस्तों, क्या ये खबर सच है या फिर दोस्तों झूठ है इसके बारे में आगे हम खुलासा करेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर आपके पास में 5 रुपए का ट्रैक्टर नोट है तो आपको मिलेंगे 5,00,000 रुपए। साथ ही में दोस्तों अगर आपके पास में माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है तो भी यहां पर आपको लगभग 2,00,000 रुपए आसानी से कीमत मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये नोट और सिक्के कहां पर बेचने होंगे। दोस्तों नोट और सिक्के बेचने के लिए इस वीडियो
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक